इस वीडियो के माध्यम से आपको अग्निवीर के बारे में जो लोग बोलते हैं उसके बारे में आपको रूबरू करवाते हुए बता रहा हूं कि हर एक बंदे का शौक होता है कि उसके जिस्म पे वर्दी हो, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। 1600 नहीं होती, सब कुछ हो जाता है। इस दौड़ के लिए अपनी जान लगानी पड़ती है, तब जाके कहीं जो है व्यक्ति की दौड़ निकल पाती है। अब युवा जो है वो मेहनत तो करते नहीं है और बोलते हैं कि अग्निपथ योजना की वजह से हमें जाना नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा और मध्यम परिवार से जो बच्चे आते हैं उनका पहला और लास्ट ख्वाब होता है आर्मी में लगना, अपने देश की सेवा करना। इसके साथ साथ में आपको अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है, उसके लिए भी इसमें सैलरी की व्यवस्था है। हिंदुस्तान में बहुत नियम ऐसे हैं जो नहीं बनने चाहिए थे फिर भी बने। अग्निपथ मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम सही है, क्योंकि इसमें 50% बच्चों को ही रखा जाएगा, वो भी ट्रेड टेस्ट के माध्यम से, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किसी की पोस्ट गनर में है तो गनर में अगर गन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आपका वहाँ रहना व्यर्थ है। और आपको बता दें कि अग्निपथ योजना में 4 साल बाद में एक ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट में जो बच्चे पास होंगे उनको परमानेंट किया जाएगा, और अगर कोई परमानेंट नहीं भी होता है तो बाहर इतनी वैकेंसियाँ हैं, 10% कोटा है, आपने देखा होगा फौजी लोगों का बहुत जल्दी आसानी से नंबर आ जाता है। तो कहीं डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, आप कभी बेरोजगार नहीं होने वाले हैं अगर आपने 4 साल अग्निपथ योजना में अपना योगदान दिया है। तो इस वीडियो को शेयर करके उन बच्चों के लिए जो मेहनती हैं उनको मोटिवेट करने के लिए शेयर करके उन तक जरूर पहुंचाएं। लव यू ऑल, जय हिंद।